कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पाँच नवतनपुरी धाम की गुरु आचार्य श्री कृष्ण मणिजी महाराज की परमहंश बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की समस्त सुंदर सा थी पहले मूल अद्वैत में जिस तहा प्रेम भयाकुमक भया हुकुमार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दो अक्षर और शैयन को आदि अनादि फल कहो सोए आदिनादि फल कहो सो ए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की धर्म प्राण सुंदर साथ जी आप सभी को सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम आज हम प्रवेश कर रहे हैं जागनी के प्रकरण जागनी लीला के द्वितीय प्रकरण जिसको ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन इस शीर्षक से प्रारंभ किया है कल दो चौपाई की चर्चा हुई थी तो आज तीसरी चौपाई में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व कल की भूमिका में फिर जैसे कहा पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ इश्क तो मूल अद्वैत जहाँ द्वैत नहीं है दो नहीं है एक ही एक है कहते हैं इस संसार में दो की लीला चलती है यहाँ जीव भी है माया भी है तो यहाँ द्वैत है तो परमधाम एक रस है अद्वैत है वहाँ दो है ही नहीं एकम सद विप्रा वहोदा वदंती जैसे श्रुतियों में कहा कि सत्य एक है वही परमात्मा है चाहे ब्रह्म कहो चाहे सत्य कहो चाहे किसी भी नाम से पुकारो अंततोगत्वा सत्य एक ही है वही परमात्मा है और वो परमात्मा एक ही उनका अस्तित्व है कल भी था आज भी है और कल भी रहने वाला है उनके अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए कहा पहले मूल अद्वैत में भूम जहां इश्क जो परमात्मा प्रेम के स्वरूप है प्रेम ही प्रेम है उनसे ही प्रेम है वही प्रेम है इसलिए कहा वो उनका धाम भी संपूर्ण रूप से प्रेम ही प्रेम से भरपूर है प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर प्रेम मय भूमि में क्या हुआ तहाँ प्रेम रबद में प्रेम रबद मतलब प्रेम संवाद हुआ प्रेम संवाद होने के बाद भया हुकुम हक हक मतलब सत्य सत्य वही परमात्मा है वो परब्रह्म परमात्मा ने आज्ञा की प्रेम संवाद के पश्चात सखियों को खेल दिखाने के लिए तो इस तरह से ये दो चौपाई की चर्चा हुई थी तो संवाद किस किस तरह से चला तो यह भी हम जानेंगे कि वाणी में भी सर्वत्र बहुत विशद व्याख्या है वाणी में कि संवाद किस तरह से हुआ कल भी हमने श्रवण किया कि संवाद करने की चाहत और राज जी महाराज स्वयं ने प्रकट की यहाँ हम क्या बोलते हैं सखियों ने खेल की मांगनी की वस्तु तो मंगवाया किस किन्होंने राज्य ने ही मंगवाया है इसलिए तो कहा पहले लई हक के दिल में तापिच आए माए नूर पहले तो हक मतलब सत्य परमात्मा ने अपने हृदय में धारण किया कि मैं सखियों को क्या करूं अपनी साहेबी और परमधाम का ऐश्वर्य प्रकट करा दो बता दो तो यह भाव राजी महाराज ने प्रकट किया हृदय में और संवाद शुभारंभ हुआ तो इसमें प्रेम संवाद का शुभारंभ में वाणी में क्या कहा एक समय हक हादी रुहे मिल किया मजकूर रबद किया इश्क़ का सबो आप अपना जहोर तो हक हादी एवं रूह हक स्वयं श्री राज राजी और हादि श्यामा जी और रूह बारह हजार ब्रह्म सृष्टियाँ, ब्रह्म आत्माएं रूहें सब मिल करके ये चर्चा उन्होंने शुभारंभ की कहते हैं रबद किया इसक का तो यही यही चौपाई को स्पष्टीकरण और दूसरी चौपाई करती है कि रबद किया इश्क का इश्क का प्रेम का संवाद शुरू किया यहाँ कोई रबद मतलब विवाद के अर्थ में नहीं संवाद के अर्थ में जैसे पहले हम सुनते हैं ना प्राचीन काल में कि आ, क्या होता था एक हम कभी दृष्टांत पढ़ा करते थे कि किसी ने जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद में जब जमीन की जोताई शुरू हो गई खुदाई शुरू हो गई तो वहां सोने का घड़ा मिला तो जमीन जिसने खरीदी थी पो जाकर के जिससे जमीन खरीदी गई थी जो जमीन का मालिक है पूर्व का मालिक उससे बोलता है कि मैंने जमीन की खुदाई की तो यहां पर सोने का घड़ा मिला मेरे हक में तो मात्र जमीन है यह घड़ा तो आपका है यह इसके मालिक तो आप हैं यह है क्या उदात्त भावना ये आपका है संवाद ये, ये मेरा है यह विवाद है ठीक है तो अभी होता तो विवाद चलता संवाद नहीं चलता तो यहां राज्य सामाजिक और सखियों में संवाद चलता है कि प्रेम मेरा अधिक है ठीक कि कौन प्रेम अधिक करेगा ईर्षा द्वेष अभिमान की बात नहीं है तो यहां तो प्रेम ही प्रेम की बात है तो राजी महाराज बोलते हैं कि सबसे अधिक प्रेम तो मेरा है तो श्यामा जी बोलती है नहीं नहीं सबसे अधिक तो मैं ही प्रेम करती हूँ फिर सखियाँ बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है हमारे तो आप जीवन आधार हैं सर्वे सर्वा है हम सबसे अधिक अष्टपहर चौसठी घड़िया प्रेम ही प्रेम करती है हम अधिक प्रेम आपके प्रति रखते हैं भाव रखते हैं तो राजी महाराज इस तरह से उनके दिल में प्रकट करा देते हैं रूहे कहे सब मिलके हक के आशिक हम हम हक परमात्मा के धनी के प्रेमी तो हम हैं हम समर्पित है आपके प्रति इसक पूरा है हम हमें ये नीके जानो तुम हे धनी हमारा इश्क हमारा प्रेम तो पूर्ण है आपके प्रति हम जितना प्रेम करती है उसका कोई पारावार नहीं कोई सीमा नहीं है सबसे अधिक प्रेम तो हम ही करते हैं तो राजी क्या कहते हैं तब कहें हादी रूहन को मैं तुम्हारा आशिक हे श्यामा जी हे सखियो मेरी बात ज़रा गौर करना कि मैं सर्वाधिक प्रेम करता हूँ आप लोगों के बगैर तो मैं रह ही नहीं पाता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ जाती हो मैं साथ, साथ में रहता हूँ आपके प्रेम के डोर से मैं खींचा चला जाता हूँ आपके सिवा तो मैं किसी प्रेम सबसे अधिक मेरा ही है आप लोगों के अलावा मेरा कोई है ही नहीं ए तहकीक तुम जानियो निश्चित रूप से तुम लोग मेरी बात समझो ये जानो इश्क़ मेरे बुजुर्ग वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम तुम तो मेरा ही है श्रेष्ठ प्रेम महिमावंत प्रेम उत्कृष्ट प्रेम तुम तो मेरा ही है तुम लोगों से अधिक मैं प्रेम करता हूँ तो कहते तब हादी रूहन को ये दिल उपजी सका तब हादी उनकी आल्हादिनी श्यामा जी के हृदय में भी और सखियों के हृदय में भी यह शंका पैदा हो गई कि धनी क्या बोल रहे हैं हम इतना प्रेम करते हैं और हमारे स्वामी बोलते हैं तुम लोगों का प्रेम कम है मैं अधिक प्रेम करता हूँ ये क्या बात हुई तो इस तरह से तो तबहादी और रूहन श्यामा जी और सखियों के हृदय में यह शंका उपशंका प्रकट होती है हक का इस हमसे बड़ा एक क्यों हो वे मुतलक निश्चित रूप से कैसे हक परमात्मा श्रीराज जी का प्रेम हमसे बड़ा कैसे हो सकता है हम तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते पल पल उनके प्रेम में ही हम भिगे रहते हैं हम उनको प्रेम अधिक करते हैं हम हमारे रोम रोम में राज्य के प्रति प्रेम ही प्रकट हो रहा है प्रेम का पूर ही बह रहा है इसलिए राज्य से अधिक तो हम प्रेम करते हैं किंतु यहाँ हमारे धनी हमारे राज्य बोल रहे हैं कह रहे हैं कि मैं अधिक प्रेम करता हूं कहया रबद में रबद मैं ना करूं कर दिखाऊं तुमको इश्क़ मेरा तब देखोगे नेक न्यारे हो तब राजी ने कहा कि हे श्यामा जी हे सखिया हे मेरी प्रियाओ मैं अधिक मैं विवाद करने में विश्वास नहीं करता इस विषय में ज़्यादा चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ क्या कि कर दिखाऊँ तुमको यदि मेरी बात पर विश्वास न हो भरोसा न हो तो तुम्हें मैं अपने व्यवहार के जरिए किसी दृष्टांत के जरिए किसी की किसी भी रूप में यह बता सकता हूँ बताने का बताना चाहता हूँ कि मेरा ही प्रेम अधिक है तुम लोगों का मेरे से न्यून है तो इसक मेरा तब देखोगे जब न्यारे हो नेक न्यारे हो मुझसे तो कहते हैं ये मेरा प्रेम अधिक है या तुम लोगों का प्रेम अधिक है कब समझोगी कब तुम्हें पता चलेगा कि जब मेरे से थोड़ा किंचित मात्र भी मेरे से थोड़ा सा अलग हो अलगाव हो बिलग हो जाओ तब तुम्हें पता चलेगा कि किनका प्रेम अधिक है तुम तो मेरे से थोड़ा रंचक मात्र भी मेरे से दूर हो जाओ तब प्रेम पता चल जाएगा किसका अधिक है और किसका कम इसके बाद में सखियों कहती है तब हम जाए पियासों कही खेल देखे अक्षर का सही अब यहाँ से शुरू होता है जब कल मैंने बात की थी ये सब संवाद चल रहा था फिर वह कहते हैं अक्षर ब्रह्म दर्शनार्थ पहुँचते हैं फिर अक्षर ब्रह्म के प्रति राज्य का राज्य के नैन उधर पहुँच जाते हैं नैन उधर जाती है तो सखियाँ तड़पने लगती है अभी तक तो नैन अमृत हमें सिंचन कर रहे थे अब अचानक इसका प्रवाह इसका पूर्व कैसे बंद हो गया उन्होंने ध्यान दिया तो राज्य की नयन जिस और लगी हुई थी वहाँ पर दूसरा स्वरूप के दर्शन हुए उन्होंने पूछा धनी ये कौन है तब तो उन्होंने कहा ये मेरे मन का ही स्वरूप है इनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं तो सखियों ने कहा ये क्या करते हैं तो धनी जी बताते हैं तो यह अपनी ही मस्ती में क्रीड़ा करते हैं और इनका कार्य है ये सांसारिक प्रपंच निर्माण करना और उसका मिटाना अपने ही स्वभाव से जैसे बाल बालक क्रीड़ा करते हैं तो उनको कोई बोलते नहीं है क्या करो कैसा करो बालक अपनी ही मस्ती में गृह मकान आदि बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं अपनी मस्ती में अनेक क्रीड़ाएँ किया करते हैं बालक उसी तरह से अक्षर ब्रह्म अपनी ही मस्ती में खेल बनाना और उसको मिटाना यही कार्य अक्षर ब्रह्म करते हैं तब उन्होंने कहा धनी ये खेल कैसा है क्या हम भी देख सकते हैं अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं एक खेल का अनुभव हम भी कर सकते हैं तब राज्य ने कहा नहीं नहीं ये देखने योग्य नहीं है ये प्रसंग है तब हम जाए पियासो कही तब यहाँ प्राणनाथ जी महाराज सबको समझाते हुए कहते हैं सखियों हम जाकर के तब उस समय राजी महाराज से हमने प्रार्थना की खेल अक्षर का देखें सही हम भी उन दिव्य पुरुष के खेल देखना चाहते हैं वो क्या करते हैं कैसा खेल वो निर्माण करते हैं किस तरह से उसका डिस्ट्रॉय करते हैं ये सब हम देखना चाहते हैं जब यह बात पिया ने सुनी तब बर्जे हंसी करने धनी जब हमारी प्रार्थना हमारा अनुनय विनय राजी महाराज ने श्रवण की तब राज्य ने हमें रोकने का अभिनय किया उन्होंने रोकने के जैसे बच्चों को बड़े रोकते हैं ना तो इसी तरह से हमें रोकने का अभी नहीं श्री राजी महाराज ने किया लेकिन अंदर से तो राज्य को था कि ये खेल देखें क्योंकि उन्होंने ये इच्छा उपजाई थी तो ने हमें रोकना बर्ज, बर्जे मतलब उन्होंने रोका लेकिन क्या करने हाँसी करने धनी अंदर से तो वो इच्छा प्रकट करवा रहे थे अंदर से उनको था कि सखियों रुके नहीं मैं बाहर से रोकने का प्रयत्न का अभिनय करूंगा लेकिन अंदर से भी स्वयं कर रहे थे तो धाम धरी ने सखियों को खेल की वास्तविकता भी समझाई कि सब रोकते हुए कहा हे सखियो ये खेल देखने योग्य नहीं है क्यों यह खेल ऐसा है तुम अपना कबीला कर रहा कोई ना किसी को पहचाने बैठो जुदे जुदे कर घर रहे सखिया एक खेल देखने योग्य नहीं है जैसे हम यहाँ एक परिवार एक आत्मा होकर के बैठे हुए हैं ये खेल में जैसे जाओगी अपना अपना अलग अलग, अलग पृथक पृथक परिवार बनाओगी कबीला मतलब परिवार अलग अलग कुटुंब परिवार बना करके यह मेरा परिवार यह उसका परिवार यह जाति यह वर्ण यह वर्ग यह भेद आदि में रच पच जाओगी कुछ भी ख्याल नहीं रहेगा किसी एक आपस में यहाँ से जो जो गए हैं एक आपस का परिचय भी लुप्त हो जाएगा सब अपने में मस्त होंगी सांसारिक दुख दर्द में पीड़ित होकर के दूसरा कुछ भी ध्यान कुछ भी वस्तु यहाँ की ध्यान में नहीं आएगी अपने सब अलग 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 होकर के अलग बिलग होकर के अलग थलग होकर के अलग, अलग अलग स्थान में रहोगी ये झूठा खेल झूठे कबीला सब कुछ ये झूठा होगा लेकिन तुम सत्य समझोगी उसी को वास्तविकता समझ करके और ये आग पानी पत्थर इत्यादि को ही हमारे भगवान हमारे स्वामी हमारे मालिक आदि इस भाव से पूजा करोगी और वस्तुतः जो सत्य मालिक है स्वामी है मैं सबका स्वामी हूँ मेरा सब कुछ भूल जाओगी मेरे विषय में भूल जाओगी अपने धाम के विषय में अपने यह दिव्य स्थान मूल अद्वैत को भूल जाओगी परमधाम को भूल जाओगी और संसार को ही अखंड मान करके वही नाशवंत प्रपंच को ही उत्कृष्ट और विशिष्ट मान करके अखंड मान करके वहीं रच पच जाओगी ऐसा आगे कहते हैं कि तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे जुदे घर आग पानी पूजोगे पत्थर कहोगे हमारा हक है सब की यह नजर मैं आए इलम का पर तुम जागो नहीं क्यों कर ये पूरी विगत पूरी घटना वृतांत सुना दी ऐसा 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 होगा मैं आकर के ज्ञान दूंगा फिर भी तुम लोग मानने को तैयार नहीं होगी मैं स्वयं जागृत करने आऊंगा तुम लोग सब सुप्त अवस्था में होंगी अज्ञान की नींद में अज्ञान के भ्रम भ्रम में पड़े होंगे फिर मैं जागृत करने आऊँगा फिर भी तुम समझने के लिए तैयार नहीं होंगी इस प्रकार की नींद तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी तो बहुत वे समझाते हैं कहते हैं कहाँ है हमारा कसम कैसा खेल कौन हम रसुल तुम्हें शायदिया पर मानोगे ना तुम अरे कौन हमारा परमात्मा कौन हमारा स्वामी है ये खेल क्या खेल है ये तो हमारा जीवन है यही तो वास्तविकता है इसी को वास्तविकता मान करके इससे ऊपर भी कुछ है इससे नीचे भी कुछ है ये सब बनाने वाले परमात्मा है वो परमात्मा कहाँ रहते हैं इस विषय में कुछ भी ख्याल तुम लोगों को नहीं होगा आज यही तो हो रहा है केवल दुनिया के लोगों को नहीं धाम से यहाँ पर खेल देखने आई सभी ब्रह्मात्माओं का अभी यही हाल है कि कोई मानने को तैयार नहीं है कि यह संसार क्या है और संसार किसने बनाया इसे सृष्टि के रचयिता कौन है वो कहाँ रहते हैं उनका स्वरूप क्या है वो क्या करते हैं उनका धाम उनके विषय में कोई उत्सुकता नहीं है कोई जानने को तैयार नहीं है समझने के लिए तैयार नहीं है बस यही शरीर है जन्मा और अनेक कार्य व्यवहार किया और वृद्ध हो गए मर गए यही यही चलता रहेगा इससे ऊपर देखने की इससे ऊपर जाने की किसी की न रुचि है न समय है यही तो संसार का हाल अभी चल रहा है तो ये सब बातें करके राजी महाराज ने खूब समझाया खूब समझाया तो आगे सखियों ने जब उत्तर दिया राजी महाराज ने जैसे ही ये सब हकीकत बताई ऐसा 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 होगा इसीलिए तुम मत जाना ये कहने का मतलब ये था कि हे सखियो मैं ये सभी इसीलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को यहीं से पता चल जाए उस उसकी वास्तविकता इसलिए तुम जाने की जिद छोड़ दो तुम संसार में खेल देखने के लिए मत जाओ ये कहने का भाव है और सखियां राजी महाराज की बात का प्रतिउत्तर देते हुए कहती है कि ऐसी क्यों हो हमसे ऐसे क्यों हो वे शुद्ध हम, हम खेल फरब लाख देखिए पर क्यों भूलिए इन खसम है धनी आप जो जो कह रहे हैं हम क्या कैसे विश्वास करें ऐसा कोई संभव हो सकता है क्या ऐसे कभी यह बात संभव नहीं है हम इस तरह से वे कैसे हो सकते हैं इस तरह से अज्ञानी कैसे बन सकते हैं हम आपको भूलें अपने धाम को भूलें हम स्वयं को भूलें आपको ना पहचाने आपकी बात पे गौर ना करें आपको आपके ज्ञान के ऊपर हम ध्यान न दें ऐसा कैसे हो सकता है हमें समझ नहीं आ रही है ऐसा खेल आप जो बता रहे हैं ऐसा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हजारों हजार ये फरेब हमें कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता हम कभी अपने धनी को आपको हमारे आप भरतार हैं आप हमारे जीवन आधार हैं स्वामी हैं हम भूल नहीं पाएंगे कभी भूलेंगे नहीं एक दूजी कहे रुअन को तुम हो जो खबरदार खेल देखा वे का जिन भूलो परवर दिगार तो आपस में सखियां अब बात करने लगी हे सखिया धनी तो कह रहे हैं समझा रहे हैं तुम लोग भूल जाओगी सब कुछ भूल जाओगी यह धनी का कहना है लेकिन हम, अपने में संकल्प करें, हम धनी को भूलेंगे नहीं घर को भूलेंगे नहीं हम स्वयं को भूलेंगे नहीं हम आपस में संकल्पबद्ध हो कि हम खबरदारी खबरदारी रखें और कभी कदाच कोई भूलने की स्थिति में भी हो तो हम एक दूसरे को जागृत करें और उसको झकझोरने का काम करें तो धनी जी जितना भी यह झूठा खेल दिखा दें हमें भयभीत करा दें लेकिन हम उसमें से भयभीत होंगे नहीं क्योंकि हम हम कभी धनी को बोलेंगे नहीं कभी कोई भूलने की स्थिति में भी हो हम एक आपस में मिल कर के दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ करके जागृत करने का कार्य करेंगे सावधान हो जाओ तो इस तरह से सखियाँ बोलने लगी और कहते हैं कि जो तू भूले मैं तुझको देगी तुरंत जगाए मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजे, बताए हे सखिया अब आपस में चर्चा करने लगी कि हमें खेल में तो जाना ही जाना है धनी जी रोक रहे हैं हमें भय दिखला रहे हैं और हमें उनकी आज्ञा का अवज्ञा करना भी नहीं है हमारी अंदर से ऐसी रुचि हो रही है ऐसी जिज्ञासा हो रही है हम तो खेल तो देखेंगे लेकिन धनी जी को वचन देंगे कि हम भूलेंगे नहीं इसीलिए सखियों अब आपस में संकल्प करें कि हम एक आपस में जागृत करने का कार्य करें कोई दूसरा भूले तो प्रेम उसको समझाने का कार्य भी करें ये सब बातें जब हो गई तब धनी जी ने कहा ओके ठीक है चलो तुम्हारी जैसी मर्जी तुम जैसा चाहोगी तुम्हारी जैसी इच्छा तो उसके बाद में सखिया सबको लेकर के धनी जी कहाँ आते हैं मूल मिलावा में जब आते हैं सब मिल के बैठे आपस में और वहाँ पर धनी जी वहीं से खेल दिखाते हैं तो इस तरह से ये सब भूमिका यहाँ पर प्रेम संवाद इस तरह से शुरू हुआ मूल मिलावा में पहुँचे सब बैठे धनी जी के चरण में बैठे तो धनी जी ने और इधर भी क्या अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी ऐसी इच्छा प्रकट कर दी थी पहले ही आया ना पहले लय हक के दिल में तापीछे आए माह नूर या नूर का अर्थ है वैसे तो नूर का अर्थ है प्रकाश होता है लेकिन यहाँ इस शब्द का अर्थ अक्षर है कि अक्षर के ऊपर भी अक्षर के अंदर भी ये इच्छा प्रकट हो गई क्या कौन सी इच्छा तो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म युत परम धाम में ही रहते हैं पच्चीस पक्ष परमधाम जैसे धाम तलाव कुंज बन सोहे माड़ी के नहरे बन की जोए और पश्चिम में चौगान बड़ो बन कहिए जमुना जी लहिए आठ सागर आठ जिमी के ये पच्चीस पक्ष धाम धनी के ये पच्चीस पक्ष उसके अंदर ही अक्षरधाम भी आता है और वो आनंद ही आनंद का स्थान है हमने पहले भी चर्चा की लेकिन वहाँ रहते हुए भी अक्षर ब्रह्म को रंग महल के अंदर होने वाली दिव्य लीला के विषय में कुछ भी ख्याल नहीं था वो राज्य के आनंद में इतने मग्न होते थे उनके अंदर संकल्प विकल्प चलता ही नहीं था कि रंग महल के अंदर क्या कुछ चलता है वो इस संकल्प ही नहीं करते थे वो आनंद में इस तरह से मस्त रहते थे लेकिन राजी महाराज ने अंदर उन अंत प्रेरणा कर दी और अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये भाव प्रकट हो गया कि मैं भी धनी की लीला जो रंग महल के अंदर चलने वाली दिव्य लीला को जान लूँ समझ लूँ उसका आस्वादन कर लूँ यह भाव अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी प्रकट हो गया तब तो सबके अंदर हो गया कि अक्षर ब्रह्म के अंदर भी क्या कि राज जी एवं बार हजार ब्रह्म प्रियाए किस प्रकार की लीला रंग महल के अंदर करते हैं वो लीला मुझे अनुभव करना है उस उसका आनंद मुझे प्राप्त करना है यह भाव अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रकट हुआ और इधर श्यामा जी आर सखियों को क्या भाव आया कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखें किस प्रकार का खेल अक्षर ब्रह्म बनाते हैं मिटाते हैं उसका, उसकी क्या है? उसका अनुभव हम करें इस तरह से दोनों के अंदर यह लीला देखने की बात प्रकट हो गई इसीलिए कहा अब यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दो अब प्रारंभ हो गया तो वो पहले वाली चौपाई का यह पूरा वृत्तांत है अब यह है यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दो या दोए मतलब अक्षर एवं संयन अक्षर एवं ब्रह्म प्रियाए दोनों एक तो अक्षर ब्रह्म उन्होंने क्या क्या देखना चाहा कि रंग महल के अंदर होने वाली दिव्य ब्रह्मानंद रस से पूरित जो लीला है जिसको ब्रह्मानंद लीला बोलते हैं वो लीला क्या है कैसी है और उसका आनंद क्या होता है वो देखने की चाह अक्षर ब्रह्म ने की और इधर सखियों ने अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित जो नश्वर लीला है प्रपंच है दुनिया की लीला उसकी वास्तविकता देखनी चाही सखियों ने तो कहा अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए अक्षर ब्रह्म और सयन मतलब ब्रह्म प्रियाए ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माए दोनों ने अलग अलग लीला देखना देखने की चाह की एक को आदि कहा दूसरे को अनादि कहा यह आदि कौन सी लीला है यह आदि लीला है ये अक्षर ब्रह्म का खेल यह अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित यह प्रपंच दुनिया भी, माया मायावी भी खेल है इसको कहा आदि क्योंकि इसकी रचना अक्षर ब्रह्म ने की है रचना इसकी हुई है तो यह एक दिन नाश भी होगा जिस जो बना है वो मिटेगा इसलिए इसको आदि कहा वैसे तो आदि का अर्थ होता है प्रथम लेकिन यह प्रथम के अर्थ में नहीं है यह आदि मतलब जो बना गया है बाद में मिटने वाला है इसको कहा आदि यह नाशवान है इसको कहा आदि और अनादि क्या है अनादि है जिसकी कोई रचना किसी ने की नहीं है और रचना हुई नहीं है निर्माण नहीं हुआ है तो कभी मिटेगा भी नहीं वो अनंत है अखंड है नित्य है शाश्वत है दिव्य है चिन्मय है उसकी कोई सीमा नहीं है वो अनंत है इसीलिए उसको कहा अनादि जो आदि नहीं है जिसका कोई निर्माण नहीं है तो कभी विनाश भी, भी नहीं है दिव्य है अखंड है इसीलिए उसको कहा अनादि तो आदि मतलब ब्रह्म आत्माओं ने जो खेल की चाह की थी अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित सांसारिक माया भी नश्वर खेल इसको आदि कहा और अक्षर ब्रह्म ने जो लीला देखने की चाह की रंग महल के अंदर की लीला को उसको अनादि कहा इसलिए कहा आदि अनादि फल कहो सोए यह राज्य महाराज ने जो इच्छा प्रकट करा दी ना उसका ही प्रतिफल है ये फल का अर्थ क्या है कि राजी महाराज ने जो पहले लई हक के दिल में ता पीछे आए माह यह राजी महाराज ने जो अक्षर ब्रह्म के अंदर श्यामा जी के अंदर सखियों के अंदर जो खेल दिखाने की परमधाम का ऐश्वर्य अपनी साहेबी महत्व आदि बताने का जो बताने की चाह अंदर प्रकट की थी उसका प्रतिफल हुआ आदि अनादि फल अब सख्या एवं अक्षर ब्रह्म देखने की चाह कर रहे हैं अब इसका क्या हुआ जैसे ही राज्य महाराज ने मूल मिलावा में बैठा करके उधर अक्षर ब्रह्म भी ध्यानस्थ हो गए उनके ऊपर भी सत का आवरण डाल दिया गया जिसको पर्दा कहा और इधर भी सखियों के ऊपर भी सत का आवरण डाल दिया गया इसको फरामोशी भी कहते हैं फरामोशी का पर्दा डाल दिया गया मतलब वहाँ आंखें खुली है वहीं बैठा हुआ है लेकिन उसके नज़र में और दृश्य चलने लगे वहाँ जो बैठे हैं उसके विषय में कोई भान नहीं है जैसे हम यहाँ बैठे हैं इतने लोग आंखें खुली है शरीर यहाँ पर है लेकिन कभी कभी मन है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है यहाँ क्या क्रियाकलाप हो रही है यहाँ क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उसके विषय में कुछ भी भान नहीं होता है वो फरामोशी का पर्दा राजी महाराज ने सखियों के ऊपर डाल दिया इधर अक्षर ब्रह्म भी ध्यानस्थ थे तो राज्य महारा अभी तक तो स्वयं की मस्ती में अपने ही बाल सुलभ क्रीड़ा में अक्षर ब्रह्म खेल बनाया करते थे मिटाया करते थे लेकिन अब राजी महाराज की आज्ञा से वे खेल निर्माण करने लगे तो कहते हैं अब ये खेल निर्माण की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है तो विराट के माध्यम से इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जैसे ही अब अक्षर ब्रह्म ध्यानस्थ हो गए तो जैसे ध्यानस्थ हुए तो अब वहां सृष्टि प्रारंभ होती है इसके विषय में वाणी में हम स्पष्ट रूप से वाणी जब पाठ करते हैं तब उसमें कहा है इत अक्षर को बिलस्यो मन पांच तत्व चौदे भुवन या महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न अब अक्षर ब्रह्म पूरी सृष्टि निर्माण होती है अक्षर का मन विलास करने लगा उसी से पांच तत्व चौदह भवन इसकी भी कभी चर्चा करेंगे ये सब निर्माण हुआ या मे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताथे थीर चर सब मान्य दृश्य दृश्य जगत सब निर्माण हुआ या विद उपजो सब संसार दिखला उन्हें हमको विस्तार है इस तरह से यह संसार का निर्माण हुआ तो सर्वप्रथम वहाँ पर क्या है आगे कहते हैं अब ताके तीन तकरार कहे अब जब सृष्टि निर्माण हुई तो पहला तकरार मतलब विभाग विभाजन हुआ उसका भाग बना तीन भाग बना क्या क्या तकरार ऐसे तो तकरार का मतलब टुकड़ा होता है भाग होता है और शो भय तीनों इंड जैसे ही खेल देखने के लिए मूल मिलाव में बैठे अक्षर ब्र ने खेल निर्माण प्रारंभ किया फिर ताके तीन तकरार कहे तो सर्वप्रथम तो क्या बना ब्रज अब उसकी उसका पूरा विस्तार है लेकिन यहाँ ताके तीन तकरार मतलब तीन भाग हो गया खेल का एक तो ब्रज दूसरा रास और तीसरा यह जागनी इसी को कहा कि सो भय तीनों यह तीन ब्रह्मांड बने तीन सृष्टि यहां बनी तीन सृष्टि मतलब कोई ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि नहीं है तीन भाग बने जिसको तीन ब्रह्मांड बोला गया एक तो ब्रज का ब्रज ब्रह्मांड दूसरा रास ब्रह्मांड और वैसे तो ये अंडाकार होने से वो अंड शब्द आया है ब्रह्मांड अंडाकार होने से लेकिन अब प्रचलित इस प्रकार से हो गया ब्रज ब्रह्मांड बोल देते हैं रास ब्रह्मांड बोल देते हैं इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं ब्रज की भूमि यह भी बोल सकते हैं रास की भूमि यह भी बोल सकते हैं तो इस तरह से ब्रजरास और जागनी इस तरह से अब हो गया ताकि बीतक जुदी जुदी ये तीनों भूमि तीनों स्थान की बीतक है अलग अलग बीतक है जुदी जुदी मतलब पृथक पृथक अलग अलग इसकी इसका वृत्तांत है इसकी कथा है इस इसकी बीतक है माया मिथ्या नट ब्रह्मांड यह सभी माया और मिथ्या मतलब झूठा है तो अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित होने के कारण ये सभी मिथ्या है ये वास्तविक नहीं है जैसे नट है जो नर्तक है वो अभिनय करता है वो वास्तविक होता नहीं है किसी भी पात्र को भजता है तो उसमें वो पात्रता के हिसाब से वो नट प्रस्तुत करता है मतलब नाट्य प्रस्तुत करता है अभिनय प्रस्तुत करता है लेकिन वो अभिनय करने वाला दूसरा होता है और वो अभिनय करने वाला वो स्वयं वो सत्य नहीं होता है किसी के किसी को व्यवहार अथवा तो किसी की वास्तविकता बतलाने के लिए अभिनय कर रहा होता है इसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म द्वारा यह रचित खेल है यह भी एक अभिनयात्मक है नाट्यात्मक है प्रपंच है यह कोई वास्तविक नहीं है ये संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकार से झूठा है वही झूठा ब्रह्मांड यहाँ पर ब्रह्मांड की चर्चा हो रही है तो इस तरह से ताके तीन तकरार कहे शुभए तीनों इंड ताके वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड अब पांचवी चौपाई है पहले 11 बरस और बावन दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिला निज जन्ना इस तरह से सर्वप्रथम तो प्रथम तकरार वो ब्रज में पहुंच जाते हैं सखियां अपनी सुरता के रूप में पहले अग्यारह बरस ग्यारह बरस और बावन दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निजा जन्ना तो परमधाम से सुरता के रूप में ब्रज भूमि में सखियां अवतरित होती हैं वहाँ पर अपने सा अपने जन अपने स्वजन के साथ में काल माया के ब्रह्मांड जिसको ब्रज ब्रह्मांड को काल माया का ब्रह्मांड कहा उस ब्रह्मांड में ग्यारह वर्ष और बावन दिन पर्यंत स्वयं धनी जी के साथ में अपने स्वजनों के साथ में वहाँ पर लीला करते हैं तो इस तरह से ये पाँचवीं चौपाई आज यहीं पर रखते हैं फिर कल इससे आगे इसकी भी चर्चा करते हुए आगे कल से प्रस्थान करते हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की खेले मिला निज जान पहले बरस और बावन दिना काल माया ब्रह्मांड में